बाबुली, बोलो मम्मी बाबुली। Welcome back to Alkan's vlog। So guys, हनुमान जी की कृपा से आज उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम से वो निकला है। मम्मी सबसे अच्छा काम करती है खाना लेके आने का, बताओ। आज मम्मी ने बनाया है आलू चीनी वाला और फलका और अचार, ये खाना सही है। कल जो आलू का सब्जी बनाया था ना मम्मी, मजा नहीं आया खा के। मस्त क्या था, आज अच्छा खाना है क्या टॉफी? आज खाना अच्छा ना? मेरी बहन है ना, इसको यहाँ पे लेकर सोई थी पता है अपने पास, बट ये बंदा यहाँ पे आ गया है। मतलब इसको चद्दर ओढ़ना ही नहीं रहता, ऐसे ही सोना रहता है क्या बाबू? पर कोई बात नहीं, गद्दे पे सोया है इसलिए मैं उसको उठा के वहां नहीं रखूंगी, यहीं पड़ा रहने दूंगी। ठीक है बेब, बेब सोने देती हूँ यार। मेरी बहन तो सो रही है, खाना वाना खा के। मम्मी ने राजमा एंड फलका बनाया है तो आज हम हमारे गुची का नाम रख ही देंगे। शैम्पू डे, अच्छे से शैम्पू कर लिया, बहुत धूल जम जाती है यार हेयर पे तुरंत तुरंत। गर्मी में ऐसा ही होता है क्या, जहाँ भी जाओ धूल तो मिनटों में जम जाती है। और सनस्क्रीन लगा कर बाहर जाना ही सही रहता है, वरना स्किन जो है ना वो पूरी टैन हो जाती है यार। 3 बज रहा है दोपहर का, आपको दिखाती हूँ कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो यहाँ मेरा बच्चा फैन के नीचे देखो सो रहा है, ये नींद में क्या कर रहा है बच्चा। सो जा बच्चे, सो जा, हील क्यों रहा है नींद में, गुड बॉय है ना मेरा बाबू। देखो ये नींद में सो रहा है, खाना भी खा रही है। और मम्मी ने ना 2 पैकेट बिस्किट निकाला है, ये मैं कब लेके आई थी मम्मी, आज निकाल रही है बताओ। चली गई, चलो देख के आते हैं कहाँ है ओ गपड़ी। तो यहाँ मम्मी बना रही है गर्मा गर्म चाय, दोपहर का चाय बनना स्टार्ट हो जाता है। 3 बजता नहीं मेरे को, मेरी बहन को चाय बिस्किट चाहिए, चाय अदरक डालकर। मम्मी खसखस का शरबत आप बोल रहा था बनाएंगे, कब बनाएगा आप तो बोलते हैं मंगाओ यार। क्या मुझे कह रही है खसखस का शरबत पिलाएंगे, खसखस का शरबत पिलाएंगे, पर 5वां दिन हो गया खसखस की शरबत मैं नहीं पी, मुझे लेके आना बिस्किट है। लेकिन कुछ लोग हैं ना यार, किसी किसी के दिल के साथ टाइम पास बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप भी जानते हो ना ये बात। कोई ना, चलो अब बिस्किट पे आते हैं और चाय बिस्किट खाते हैं डुबा कर। इसको है ना ऐसे मैं केक बना देती हूँ और फिर खाती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करना, काफी मजा आएगा। मिलेगा गुचड़ा, ले दवाई खा गुचड़ा। तो गया तुम गुचड़ा चिड़ू आ कर रहे से। देखो मम्मी डर नहीं रही, मम्मी कुछ नहीं करेगा, डरो मत। देखो मम्मी हो गया ना आपको प्यार, आप बोल रहा था ज्यादा, अब देगा ना इसको अपना चद्दर। देखो कितना प्यार कर रहा है आपको, देखो मम्मी कितना प्यार कर रहा है, कपड़ा से रिश्ता नहीं, देखा कितना प्यार कर रहा है। बाबुली बोलो मम्मी बाबुली। जाओ मम्मी बस जाओ, मम्मी बस जाओ, मजा है ना मम्मी। अरे तो काटता थोड़ी है, प्यार कर रहा है, पॉटी वॉटी साफ करने लगी मम्मी, आप बहुत प्यार करने लगा, ऐसे प्यार करते रहो आपसे भी वो प्यार करेगा समझा। तो अभी बस जाते हैं क्लिनिक, इसका ना ये चेंज करवाना है चैनल, बहुत दर्द होगा आज के ना यार, प्रेयर्स है ना धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो आप लोग ऐसे ही प्रे करते रहना। अभी इसको इंजेक्शन लगवाने जा रही हूँ। बाबू उछलो नहीं बाबू, गुड बॉय है ना, देखो गुड बॉय है ना अलका दी का, गुड बॉय है मेरा, बेबी है मेरे, छोटी बेबी, छोटी बेबी। गाइस ये शांति से खड़ा ही नहीं हो रहा है यार, मतलब कैब का हम लोग वेट कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। देखो इसको कैसे मनाना पड़ता है, पता है गुची बाबू गुची बाबू, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बहुत चिल्ला रहा है मेरी बहन पे, चिल्ला रहा है कि मेरे को क्यों हॉस्पिटल लेके जा रही है। सुनो मेरा बात अंकल, थोड़ा एसी चालू कर दीजिए अंकल, भी एसी चालू नहीं कर रहे, कहते नहीं होगा डॉग है, आप ही बताओ, एक छोटा सा मासूम का बच्चा है यार, अब क्या बोल सकते हैं। तो मैं कैब वाले और भैया और सब यही बोलूंगी कि यार इस बच्चे के साथ ऐसा ना करें। फिर कैब वाले भैया ने एसी तो चालू कर दिया ये बोल के कि ये अगर रोना बंद नहीं किया तो मैं फिर से एसी बंद कर दूंगा, पता नहीं ये मासूमों के साथ सब ऐसा क्यों करते हैं कैब वाले भैया। यार इतने बदमाश होते हैं ना, मतलब एसी नहीं चालू करते, कहते हैं कि यार ये डॉग है इसके लिए क्या एसी चालू करूं। मैं बोलूं मैंने पैसा दिया है, जैसे ही मैं कैमरा ऑन की ना इन्होंने फट से एसी चालू कर दिया। बाबू यहाँ पे हो गया, अब देखो इसके पैर में, क्योंकि एक चैनल ज्यादा दिन तक चलता नहीं है ना, तो हाथ से हटा के पैर में हो गया, बहुत पेन किया इसे यार, सो रहा है अभी तो यार, अब इसको फिर से स्लाइन चढ़ रहा है। देखो कैब का वेट कर रहे हैं और ये देखो सो गया है, इसकी मतलब इसे नींद आ गया है यार, स्लाइन चढ़ा है ना, नींद आ गया। देखो चलो मैं इसको हाथ में ले रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। लगने लग गई यार, और डॉक्टर ने बोला है कि 4-5 दिन और लगेगा, जब इसको वॉमिटिंग होनी बंद हो जाएगी ना तभी ठीक हो जाएगा। अब
भूख बहुत तेज लग रही है यार। इतने दिन से मैंने मोमो नहीं खाया, पुचका नहीं खाया, बताओ। बस इसका तबीयत ठीक होने का वेट कर रही थी, अभी ये धीरे धीरे ठीक हो जाए। नहीं रही है यार, तो अभी हमने टोटो किया है, वहाँ से हम एक जगह जाएंगे, वहाँ से हमें टैक्सी करनी पड़ेगी। कैब भैया देखो, लास्ट कैब मिली है, आराम से सोया वरना झटपट आ रहा था। देखो कितना ठंड लग रहा है, उसे घुस गया मेरी बहन के अंदर। ये देखो इसको लेके बैठी है यहाँ पे, एसी में इसको बहुत सुकून मिलता है, पर इसको अभी ढक के रखे हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर कहीं बढ़ना चाहिए। घर मैंने लिया टिश्यू पेपर बाबू के लिए एंड साथ में ये वेफर्स वगैरह, और अभी बनवा रही हूँ पास्ता। ये मंचूरियन है और यहाँ पे बनने वाला पास्ता। मैं और मेरी बहन ना आज पास्ता खाएंगे यार। सारा वेफर्स ले खाने के लिए, साथ में पास्ता लेके आई हूँ। कितना वैरायटी लेकर आई हो? वैरायटी बहुत सारा वैरायटी का लेके आए हैं। मेरा पैकेट लेकर आओ, तुम भी लेके आई हो, तुम क्या लाई हो? तुम बेवकूफ हम सोचे हो जाएगा। दिखा 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 दिखा, तुम दिखा। वाह टॉफी, तुम भी एक्सीलेंट निकली ना। मैं कुछ लेके आई हूँ टॉफी, बस कर। ओ बाबा ये तो कुछ ज्यादा ही ले आई यार, मेरे से भी ज्यादा। ये देखो भर भर के लाई है, सुलाते हैं। मैं इधर सोती हूँ, बहन यहाँ सोती है। अब देखो ये कहाँ गया, मतलब रात को उठ उठ के जगह चेंज करता है, कभी पैर के नीचे, कभी मेरे पैर के नीचे। पर मम्मी से अब इसको प्यार हो गया। मम्मी आपको प्यार हो गया ना इससे, है ना? मम्मी के पास भी सोने लग गया। देखो अब मम्मी आप इसको लेके सो जाएगा तो? नहीं नहीं, क्यों नहीं? डर लगता है, बार बार नहीं, इधर चेंज हो जाता जगह। ठीक है, अभी आप थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको रखना भी सीख लेगा ना बाबू। बाबू तो कल सुबह तक अगर इसको वॉमिटिंग नहीं होती तो हम इसको थोड़ा फूड भी दे सकते हैं। वैसे अभी ये सब कुछ बाइट कर रहा था, कपड़े वपड़े, क्योंकि इसको भूख लग रहा था। देखो कैसे सो रहा है। देखो ये देखो केक, और ये केक मुझे काफी अच्छी लगती है बिकॉज ये फ्रूट की रहती है और साथ में ये बहुत ज्यादा फ्रेश है। ये देखो खाना खाएगा, देखो थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ है भगवान की दया से, आप लोगों की प्रेयर से। ऐसे उछल रहा है देखो खाना खाने के लिए। ये तो ये अभी अपना खाना खा रहा है, देखो आप लोगों के प्रेयर की वजह से ठीक हो रहा है धीरे धीरे। क्या मम्मी, भगवान करे बस ऐसी रहे, ये ठीक हो जाए अच्छा से। मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई थी एक्चुअली, गुची की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो अभी थोड़ा रिकवर हो रहा है। तो आप लोग को बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स, और उसका नाम मैंने सर डिसाइड किया है पर फिक्स नहीं है, बट मैं इसका नाम अच्छे से रखेंगे एकदम ढोल वोल बजा के। तो थोड़ा वेट करना व्लॉग का, बाय बाय। कल आएगा बहुत अमेजिंग व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग होने वाला है, पर आपको डिसाइड करना है कौन से ब्रांड का शॉपिंग होने वाला है। बाय बाय।